बत्तख कन्या। एक बार की बात है, एक महान राज्य के राजा का देहांत हो गया। अपने पीछे अपनी रानी और बेटी छोड़ गया और एक नेक परी भी थी जिसे राजकुमारी बहुत प्यारी थी। वो उसका ध्यान रखने में रानी की मदद करती। जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसकी शादी एक राजकुमार से तय हो गई जो बहुत दूर रहता था। और जब उसकी शादी का दिन करीब आया तो वो राजकुमार के देश की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ ने उसे ढेर सारे गहने दिए और शाही कपड़े भी। मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम ये शाही खजाना अपने साथ ले जाओ और राजकुमार के साथ खुश रहो। और उसने बेटी के साथ एक सेविका रखी और राजकुमारी को उसके हवाले सौंपा और साथ में सफर के लिए हर एक को घोड़ा भी दिया। राजकुमारी का जो घोड़ा था वो परी ने उसे तोहफे में दिया था, जिसका नाम था फलादा, जो बोल भी सकता था। जरा रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। परी ने एक कैंची ली और अपने कुछ बाल काट दिए। ये लो, इसे संभाल के रखना, इसकी जादुई शक्ति तुम्हें रास्ते में काम आ सकती है। राजकुमारी ने अपनी माँ और नेक परी से विदाई ली, फिर अपनी सेविका और फलादा घोड़े के साथ चल पड़ी। बहुत दूर तक सफर करने के बाद राजकुमारी को प्यास लगी। उसने अपनी सेविका से कहा, सुनो सेविका, जाओ मेरे लिए पानी लाओ। अगर तुम्हें इतनी प्यास लगी है प्यारी राजकुमारी, तो घोड़े पर से उतर के खुद मेहनत करके पानी पी लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। राजकुमारी हैरान होकर घोड़े पर से उतरी और झुककर बहते हुए नदी की धारा से पानी पी लिया। तभी अचानक जादुई बाल के गुच्छे ने कहा, बेचारी राजकुमारी, अगर इसकी माँ को पता चलता तो उसका दिल टूट जाता। लेकिन राजा की बेटी दयालु थी, उसने कुछ नहीं कहा और फिर से घोड़े पर बैठ गई। कुछ दूर और बढ़ने के बाद उसे फिर से प्यास लगी और जब वो एक बहती हुई धारा के पास आई तो उसने अपनी सेविका से कहा, सुनो सेविका, मेरे लिए पानी लाओ। कितनी बार कहूँ, खुद जाकर पी लो। राजकुमारी फिर से घोड़े पर से उतरी और खुद झुक के बहती धारा से पानी पीने लगी। तभी बाल के गुच्छे ने फिर उससे कुछ कहा, अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। ये सेविका आज्ञाकारी नहीं है, जरा ध्यान से राजकुमारी, इतना मत झुको, मैं नदी में गिर जाऊंगा। बाल का गुच्छा उसकी जेब से पानी में जा गिरा और पानी की धारा के साथ आगे निकल गया। तभी सेविका ने कहा, अब तुम कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तुम्हारे शाही पोशाक मुझे दे दो और मेरे पोशाक तुम पहन लो। अब मैं राजकुमारी हूँ, अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। सेविका ने राजकुमारी के कपड़े पहन लिए और घोड़ा फलादा पर बैठ गई और असली राजकुमारी बुरे घोड़े पर बैठ गई। आखिर में वो लोग शाही महल पहुँचे। राजकुमार उनसे मिलने आया और सेविका को राजकुमारी समझकर उसका स्वागत किया। हमारे राजमहल में तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये लड़की कौन है? ये मेरी सेविका है और मेरी साथी भी, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। सुनो राजकुमार, क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई काम है? वैसे तो इसके लिए कोई काम तो नहीं है, पर हमारे यहाँ एक छोटा लड़का है कर्टकेन, जो बतख का ध्यान रखता है, ये उसकी मदद कर सकती है। ओह हाँ राजकुमार, मेरा एक काम कर दो प्लीज। इस घोड़े को जिस पर मैं सवारी करके आई हूँ, इसे खत्म कर दो, इसने मुझे गिराया था। दरअसल सेविका जानती है कि घोड़ा फलादा बोल सकता है और उसने असली राजकुमारी के साथ बुरा बर्ताव किया, ये वो बता सकता है, इसलिए उसने वफादार फलादा को खत्म करने को कहा। असली राजकुमारी को जब ये पता चला तो वो बहुत रोई और उस आदमी को फलादा का सिर शहर के बड़े प्रवेश द्वार पर ऊंचे लटकाने को कहा, ताकि वो हर रोज सुबह शाम आते जाते अपने प्यारे फलादा को देख सके। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। और उसने फलादा का सिर उस प्रवेश द्वार पर कील से ठोक दिया,
दूसरे दिन सुबह जब वो कड़कन के साथ वहाँ से गुजरी तो दुखी होकर बोली, फलाडा फलाडा, ये क्या हो गया? प्यारी प्यारी, तुम यहाँ हो राजकुमारी? नहीं नहीं, ये क्या हुआ? अगर पता चला माँ को तो उसे होगा कितना दुख। वो दोनों शहर के बाहर चले गए बत्तखों को घुमाने, और जब वो वापस घास के मैदान में आई तो वो एक किनारे बैठ गई और अपने लहराते हुए बालों को खोल दिया जो चांदी जैसे चमकीले थे। जब कर्डन उन्हें सूरज की रोशनी में चमकते देखा तो वो दौड़ा उसके कुछ बालों को तोड़ने के लिए, पर वो रो पड़ी। ए हवा के झोंकिया और कर्टन की टोपी उड़ा ले जा। ए हवा के झोंकिया और उसे टोपी के पीछे दौड़ा, पहाड़ों पे, वादियों में, चट्टानों पे, और तब तक वो वापस ना आए जब तक मैं सवार न लूं अपने बाल। और तभी तूफानी हवा इतनी जोर से आई कि कर्टन की टोपी उड़ा ले चली, वो भी पहाड़ों पे, और मजबूर होकर कर्टन को टोपी के पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तो राजकुमारी ने अपने बालों को सवार कर ठीक कर दिया था। कर्टन को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। बत्तखों की निगरानी करते करते शाम हो चुकी थी, फिर वो सभी घर की ओर चल पड़े। ये सिलसिला दो दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक शाम कर्टन राजा के पास शिकायत लेकर गया। बत्तखों का ध्यान रखने के लिए अब मुझे इस अजीब सी लड़की की मदद नहीं चाहिए। वो किसी भी काम की नहीं है, वो सारा दिन बस मुझे चिढ़ाती रहती है। कर्टन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये बात अधूरी है, इसलिए मुझे पूरी कहानी सुनाओ। राजा का हुक्म कर्टन कैसे टालता, इसलिए उसने राजा को जो कुछ हुआ वो सारी बातें बता दी। ठीक है, तुम अपने काम पे जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। जब सुबह हुई तो राजा बड़े प्रवेश द्वार के पीछे छिप गया, और राजकुमारी फलादा से क्या कहती और फलादा उसका कैसे जवाब देता ये सुनने लगा। फिर राजा खेत के पास वाले मैदान में गया और झाड़ियों के पीछे छिप गया, और उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों को खोला जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। फिर उसने उसकी आवाज सुनी, ए हवा के झोंकिया और कर्टन की टोपी उड़ा ले जा। ए हवा के झोंकिया और उसे टोपी के पीछे दौड़ा, पहाड़ों पे, वादियों में, चट्टानों पे, और तब तक वो वापस न आए जब तक मैं सवार न लूं अपने बाल। और तूफानी हवा का झोंका आया और कर्टन की टोपी उड़ा ले गया, और कर्टन टोपी के पीछे दौड़ा। तब तक राजकुमारी ने अपने बाल संवार लिए और बांध भी लिए। राजा ने ये सारे नजारे देख लिए, वो चुपचाप अपने महल की ओर चल पड़ा। जब राजकुमारी शाम को वापस आई तो राजा ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। अगर मैंने किसी को भी अपनी बात बताई तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन राजा ने उससे इतनी मिन्नतें की कि वो खुद को रोक नहीं पाई, और उसने शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी सारी कहानी बताई। और ये उसके लिए अच्छा भी था, क्योंकि उसे वाकई में शांति मिली। अब तुम पर कोई भी आंच नहीं आएगी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अब तुम जाओ और एक राजकुमारी की तरह सज धज के आओ। जब वो तैयार हुई तो राजा उसे देखकर दंग रह गया, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और बताया कि जो उसके साथ है वो नकली राजकुमारी है, वो सिर्फ एक सेविका है, और असली राजकुमारी ये है, उसके सामने है। ये है तुम्हारी असली राजकुमारी बेटा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है पिताजी। जवान राजकुमार ने जब उसे देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर खुश हुआ, और उसने चुप रहकर कितना कुछ सहा, और नकली राजकुमारी को बिना कुछ बताए राजा ने अपने दरबार में एक शाही दावत रखने का हुक्म दिया। आज हम सच का जश्न मनाएंगे और झूठ को सजा देंगे। दूल्हा राजकुमार सबसे ऊपर बैठा था, एक तरफ नकली राजकुमारी बैठी थी तो दूसरी तरफ असली राजकुमारी बैठी थी, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था,
क्योंकि उसकी खूबसूरती ने सबको चौंका दिया था। और अब वो गरीब लड़की नहीं दिख रही थी क्योंकि उसने शाही कपड़े पहन रखे थे। इसकी हिम्मत कैसे हुई? जब जश्न का माहौल खत्म हुआ और सब बहुत खुश थे, तब राजा ने सभी से कहा कि उन्हें कुछ बात कहनी है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा, सभी ध्यान से सुनना। राजा ने राजकुमारी की सारी कहानी राजदरबार में सबको सुनाई, जैसे कि उसने किसी से सुनी हो। और फिर राजा ने नकली राजकुमारी से पूछा कि अगर ऐसा कोई बर्ताव करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। ऐसी झूठी लड़की को तुम क्या सजा दोगी? कोई खास नहीं, सिर्फ कैद खाने में हमेशा के लिए बंद कर देती। लो, हो गया फैसला। अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सेविका को उसके किए की सजा मिल गई और असली राजकुमारी की शादी राजकुमार से हो गई। दोनों राजा रानी बन गए और शांति और खुशी के साथ राज में रहने लगे। फिर परी भी वहाँ आई, उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वफादार फलादा को वापस जिंदा कर दिया।